तो मैं ये मंदिर में आया हूँ जो मोटेरा स्टेडियम के बिल्कुल बाजू में मंदिर है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा मंदिर भी दिखा देता हूँ, और पीछे आप लोग देख रहे होंगे स्टेडियम है मेरे। तो दोस्तों, अभी मैं रिसेंटली जो मोटेरा स्टेडियम में विजिट की थी, तो वहाँ का मैंने आप लोगों को कुछ व्यू दिखाया था कि स्टेयर्स वगैरह का क्या स्टेटस है, कैसा क्या काम चल रहा है, और फिनिशिंग स्टेज पे काम चल रहा है, बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी देखिए हनुमान टेम्पल जो कि बिल्कुल बाजू में मोटेरा स्टेडियम के, उसकी घंटी की आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही है स्टेडियम से भी। ये बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है ये। और ये पीछे आप लोग देख सकते हो, उधर साबरमती नदी है। जय बजरंगबली दोस्तों। तो बजरंगबली का नाम लेकर के हम इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं, देखिए मंदिर, और ये ऊपर मोटेरा स्टेडियम आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है कि ये किस तरीके से स्टेडियम दिख रहा है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर साइड में जो बनाया गया है, इवन थोड़ा बहुत मंदिर के अंदर भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। और लेकिन काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मोटेरा स्टेडियम के में गए हो तो हम जो हनुमान टेकरी टेंपल उसका भी एक अलग से वीडियो बनाओ, तो मुझे ये वीडियो बनाया और मैं भी दर्शन करना चाहता था, क्योंकि मैं मोटेरा स्टेडियम की वीडियो काफ़ी ला चुका, काफ़ी बार विजिट कर चुका, लेकिन हनुमान टेकरी टेंपल बस मेरी ढीला मस्ती ही बोली है कि मैं उस वजह से नहीं कर रहा था। तो अब की बार मुझे था कि भाई हनुमान टेकरी टेम्पल भी जाना है, भगवान जी को याद करके ही मैं चला था, स्टेडियम की वीडियो बनाया और फिर हनुमान जी की को दर्शन करके आया। तो ये और ये जिस मंदिर की विशेषता मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हनुमान टेकरी टेम्पल जो है ये बाल स्वरूप ऑफ श्री हनुमान जी, हनुमान जो बजरंग बली हैं उनके बाल स्वरूप को यहाँ पर दर्शाया गया है, उन्हीं के नाम से फेमस है। और जो सच्चे भक्त हैं श्री राम के, माता सीता के और हनुमान के, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही। और आज जो मैंने वीडियो बनाना था तो इस सैटरडे का दिन था, तो उस दिन काफ़ी लोग यहाँ पर आए भी हुए थे। देख आप लोगों को वीडियो में थोड़ा बहुत को दिखाऊंगा, लेकिन और एक सबसे बड़ी बात ये ज़रूर है कि मोटेरा स्टेडियम का जब इसका डेमोलिश का प्लानिंग बना, नए स्टेडियम बनाने का प्लान बना था, तो ये एक माइंड में आया कि यहाँ पर जो हनुमान टेकरी टेम्पल है इसका क्या करना है, इसको रखना नहीं रखना है। लेकिन जो डिसीजन लिया गया फाइनली कि हनुमान टेकरी टेम्पल है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी और ये सभी के लिए ओपन भी रहेगा। मोटेरा स्टेडियम का काम चल रहा है लेकिन हनुमान टेकरी टेम्पल कंटिन्यू ओपन है। लोग यहाँ पर जो भी डेली बेसिस पर और मंगलवार और शनिवार के दिन जैसे सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, तो दर्शन करने के लिए हमेशा यहाँ पर आते हैं। और कभी किसी ने कोई रोक टोक नहीं की कि मोटेरा स्टेडियम है दुनिया का नंबर वन स्टेडियम बनने जा रहा है, तो उस वजह से मंदिर को बंद कर दिया जाए या ऐसा कुछ कर दिया जाए, तो कभी भी रोक टोक नहीं की। यही जो एक हिंदुस्तान की विशेषता मैं मानूंगा, और इस कंपनी की जो L&T है या जो भी गुजरात क्रिकेट काउंसिल है, उन्हें इस चीज़ को, लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए मोटेरा स्टेडियम का निर्माण भी किया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। और साथ में यहाँ पर जो है, और साथ अभी जो इसका भी कंस्ट्रक्शन का कुछ तो काम चल रहा है, और हम भी उम्मीद करेंगे कि जो ये हनुमान टेकरी टेम्पल है इसका भी एक अच्छे से रेनोवेशन होना चाहिए, ताकि मोटेरा स्टेडियम के बाजू में इस मंदिर भी चमकदार बने और लोगों को जो श्रद्धा है वो और अच्छी हो, और लोग जो मोटेरा स्टेडियम में आए और साथ में यहाँ पर भी आए तो कितना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बहुत ही, लेकिन हाँ ये है कि ट्रीज वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, खुला खुला है, एक सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, एक मतलब पीसफुल एरिया यहाँ पर बोलेंगे, आप लोगों को भी मज़ा आएगा, मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत ही शांत माहौल है, सुकून मिलता है। क्योंकि जब मंदिर हो, जैसे भीड़ भड़ाका ज़्यादा रहे ना मंदिर में भी, तो वहाँ थोड़ा सा आदमी क्या इरीटेट सा फीलिंग हो जाती है, बट ये आउटसाइड एरिया है तो शांत है, फीलिंग्स जो एक बहुत ही अच्छी आती है, श्रद्धा सच्ची हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, तो बहुत ही एंजॉयबल, बहुत ही सच्ची फीलिंग्स वाला यहाँ पर माहौल मुझे लगा। और ये आप लोग देख सकते हैं मोटेरा स्टेडियम बिल्कुल, ये कि इसकी आधी बाउंड्री तो जो मोटेरा स्टेडियम की जो छत है वो इस मंदिर के ऊपर ही आई हुई है, ऐसा इस तरीके से।
ये मंदिर यहाँ पर है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मंदिर को एज इट इज़ रखा गया, इसको बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं हुआ। और अभी जो बाहर का है इसके मंदिर के आगे वो भी काम चल रहा है, तो डेफिनेटली इसका भी रेनोवेशन अच्छे से होगा, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट मंदिर के अंदर भी मिलेगा। तो दोस्तों जो भी नए व्यूवर्स आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इस ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सेकेंड पार्ट में मोटेरा स्टेडियम का लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।